समस्त प्रभु जीशु नाम बड़ा आंतरिक नमस्कार आपण मान प्रत्येक मोर आउ एक वीडियो को स्वागत करुअ। आज वीडियो रे आम 10 वैज्ञानिक आविष्कार को देखा जो आविष्कार गुड़िक बाइबल मध्य रही तेज चलतु आ विलंब नक आज वीडियो को आम आरंभ करवा। प्रथम अच्छी समुद्र भितर पहाड़। प्रथम वैज्ञानिक सत्यता हूँ समुद्र भितर पहाड़। कौन आपण विश्वास करूँ कि समुद्र भितर मध्य पहाड़ अच्छी बोले किए विश्वास करू कि न करू एक सत्य अटे जे समुद्र भितर मध्य पहाड़ रही अच्छे एक नुहे बर वैज्ञानिक मान प्रकाश करते वैज्ञानिक मान सीना मत दे समुद्र भितर पहाड़ रही हेले बाइबल कौन एक स्वीकार करे कि तेज चल तो देखा समुद्र भितर पहाड़ विषय बाइबल कौन कहे। जदि आपण बाइबल रही तेज मो सहित बाहर करतु जुनस 2:6 एठार जुनस भविष्य वक्ता कौन कहते देखा एठार एपरी लेखा जाए मु पर्वत गणर मूल पर्यंत तलकू गली मो पश्चात पृथ्वी आपणार अर्गल सकल चिरकाल निमंत रुद्ध कला तथापि हे सदा प्रभु मो परमेश्वर तुम्हें गर्तर मो प्राण को उद्धार कर आनिल। प्रिय बंधुगण एठार जो पर्वत विषय लेखा अच्छे या समुद्र भितर पर्वत विषय लेखा अच्छे कारण आपण मैंने जानती जे जुनस को समुद्र पानी रे फिंगी दि जाइला। जदि आम 5 पद को देखू सेठारे स्पष्ट भाव गभीर समुद्र विषय लेखा जाइछि एही समुद्र भितर पहाड़ विषय आज वैज्ञानिक मान प्राय 1800 शताब्दी पर आविष्कार कर किंतु यही समुद्र समुद्री पहाड़ विषय जुनस भविष्य वक्ता जीशु जन्मर मध्य बहुत वर्ष पूर्व ही कही पुस्तक लिखी जे समुद्र भितर पहाड़ रही अच्छे तेणु जुनस भविष्य वक्ता जहा देखी वर्णना करते कौन सी रूप से काल्पनिक नुहे। एवं द्वितीय समुद्र तले जल स्रोत रही द्वितीय वैज्ञानिक आविष्कार हूँ समुद्र स्तर तले जल स्रोत रही अच्छे एक स्रोत समुद्र को पानी सप्लाई करी था। बाइबल रे यार प्रमाण निमंत मो सहित देखु आईब 38:8 एपरी लेखा जाए अबा जेते बले गर्भर निर्गत हवा तुल्य समुद्र बाहर एठा लेखा गर्भर निर्गत हवा तुल्य समुद्र गर्भर मध्य बहुत गुड़िए स्रोत रही अच्छे। अमेरिकार विख्यात वैज्ञानिक माइकल वेसन जी वाशिंगटन सहर बास करते जल आहते समुद्र तले जल स्रोत रही अच्छे अस्वीकार करा जाई पारे ना तेणु बाइबल रे एही विषय को जी प्रकाश कर आयु बतले सहित जी कथबार्ता कर से परमेश्वर निजे अटंती। तृतीय होची भूगर्भ रे अग्नि रही अच्छे ए विषय को सही माने स्पष्ट भाव बुझी पारे बुझे पारे जो माने हाई स्कूल किंवा कॉलेज रे पाठ पढ़ी आपण कौन केबे सुनी आग्नेयगिरी उद्गिरण यार अर्थ होची भूमि फाटी से निया बाहरी पढ़ंतु आईब 28:5 एठार एपरी लेखा जाए मृत्तिकारु खाद्य उत्पन्न हुए अतहीर अधभाग अग्नि द्वारा लंड भंड हेलापरी हुए अधभाग अर्थ निम्न भाग एठार माटीर निम्न भाग विषय वर्णना कर पदर अर्थ हूँ मृत्तिकारु खाद्य तो निश्चय मिली था यार निम्न भाग अग्नि रही अच्छे तबे वैज्ञानिक मत अनुसार मध्य एही भूमिर गर्भ बहुत गरम अटे आपण
ଆପଣ କେବେ କୂଅ ଖୋଳିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୂଅ ଖୋଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟାନ ନେଇଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ ଗାତ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭୂଗର୍ଭ କିପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଭୂଗର୍ଭରେ ଅଗ୍ନି ରହିଅଛି, ଏହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବାଇବେଲ ଆମର ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଅଛି, ତାହା ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ। ପୁରାତନ କାଳରେ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଟଲାସ ନାମରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଟେକି ଧରିଅଛି, ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି, ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଭାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ବାଇବଲ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି। ବାଇବେଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ନା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି? ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଇବ 26 ପର୍ବର 7 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରନ୍ତି ଓ ଅବସ୍ତ ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଝୁଲାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପଦ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିକି ରହିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। ଏ ପୃଥିବୀ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲି ରହିଛି। ଏ ପୃଥିବୀ କୌଣସି ହାତୀ ପିଠିରେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସାପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବଳବାନ ପୁରୁଷର କାନ୍ଧ ଉପରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ମାଛିମାନେ ରୋଗ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାଛି ମଶା ଡାଁସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଜୀବାଣୁ ଯାଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବାଇବେଲ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 23 ପର୍ବର 13 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଖଣତି ରଖିବ, ପୁଣି ତୁମେ ବାହାରକୁ ବସିବା ସମୟରେ ତଦ୍ୱାରା ଖୋଳିବ ଓ ନିର୍ଗତ ମଳକୁ ପୋତି ପକାଇବ। ନିର୍ଗତ ମଳକୁ ପୋତି ପକାଇବ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିର୍ଗତ ମଳକୁ ପୋତି ପକାଇବ। ତେବେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ଆଉ ରୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବାଣୁ, ଯାହା ହାନିକାରକ ଅଟେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ, ଚେତନା ଦେଇଥିଲେ। ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର ତାର 45 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠୀର ଘା ହୋଇଅଛି ତାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରାଯିବ ଓ ତାହାର ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳା ରହିବ ଓ ସେ ଆପଣାର ଉପର ଓଷ୍ଠ ବସ୍ତ୍ରରେ ଢାଙ୍କିବ, ପୁଣି ଅଶୁଚି ଅଶୁଚି ବୋଲି ଡାକ ପକାଇବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଭୋଜନ, ଜୀବରର ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରିବା। ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 7 ପଦ, ପୁଣି ଶୁକର ଯେହେତୁ ସେ ବିଭକ୍ତ କୁରା ଓ ଚିରା ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ପାକୁଳି କରେ ନାହିଁ, ତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୁଚି, ତ
तुम्हें ताक भोजन करना शरीर प्रति हानिकारक अटे। जदि आपण डाक्तर को परामर्श करेंगे तेज जानीपर जे घुषुरी मांस बहुत बड़ बड़ रोग को सृष्टि कर विषय यूट्यूब सर्च करें। तेणु लेबिय पुस्तक परमेश्वर पूर्व ही आमको चेतावनी तुम्हें घुषुरी मांस खाइब ना कारण यह द्वारा भयंकर रोग बेमार हेबार संभावना रही। अष्टम पृथ्वी गोल अटे। अष्टम वैज्ञानिक प्रमाण हूँ पृथ्वी गोल अटे। चलत बाइबल रे प्रमाण बाइबल रे आम देखा जिसाय 40 पर्व 22 पद एठार एपरी लेखा जाए से भूमंडल उपविष्ट अतन्निवासीगण फड़िंग स्वरूप से चंद्रा तपतुल्य आकाश मंडल प्रसारती और बसत निम्ते तंबुतुल्य विस्तारती। जदि आम इंग्राजी बाइबल देखा एठारे एपरी लेखा जाए से भूमंडल घेरा उपरे उपविष्ट जहाँ को इंग्राजी रे सर्कल बोली कहा जाए यार अर्थ दुनिया गोल अटे। यह परमेश्वर 7000 वर्ष पूर्व ही जिसाय भविष्य वक्ता को जनई। नवम काल पुरुष तारा मंडल जहाँ को सप्तर्षि मंडल बोली कहा जाए आम स्तर 5 पर्व 8 पद पढ़ एठारे एपरी लेखा जाए जे कृतिकार और मृग शीर्षर सृष्टि करे मृत्यु रूप छाय प्रभात परिणत करते जे दिवस को रात्रि तुल्य अंधकारमय करते जे समुद्र जल समूह को आह्वान कर पृथ्वी उपरे ढालते तुम्हें ताहांकर निशान कर सदा प्रभु ताहांकर नाम तेबे एठारे जो कृतिकार विषय लेखा अच्छे एठारे जो मृग शीर्षर विषय लेखा अच्छे ताहार इंग्राजी रे ताको 7 स्टार्स बोली कहा जाए जा सप्तर्षि मंडल बोली बुझाए। ए सप्तर्षि मंडल रे प्रभु कथार 7टी अछंती जहाँ आमे आमोस पुस्तक देखा पाई था। एवं दशम हूँ डायनोसर। यही डायनोसर को कहीं अस्वीकार करे ना कारण डायनोसर जीवाश्म वैज्ञानिक मानक मिली अच्छे। आज जो बड़ बड़ जीव मानते से जीव मान बहु गुण से बड़ बड़ जीव मान पृथ्वी थे से मध्य डायनोसर अन्यतम किसी डायनोसर बहुत बड़ बड़ थे किसी मध्यम धरण डायनोसर थे आउ किसी छोट छोट डायनोसर मध्य थे कहीं कहीं मांसाहारी थे कहीं कहीं शाकाहारी आउ कहीं सर्वाहारी मध्य थे अर्थात मांस एवं तृण उभय खाऊ। आईब 40 पर्व तार 15 पदरू 24 पद पढ़ एठारे एपरी लेखा जाए बहेमत को देख आम्भे तुम्भ संगे ताहाकु सृष्टि करियोछु से गोरु परी तृण खाए 16 पद देख ताहार कटी देशरे ताहार बल थाए और ताहार उदरस्थ पेशीरे ताहार शक्ति थाए। 17 से एरस वृक्ष पर अपना लांगुल हलाए ताहार उरु देशर शिरा सब एकत्र संयुक्त। 18 पद तार अस्थि सब पीतल नल पर तार अंग प्रत्यंग लुहार अर्गल पर। 19 पद से परमेश्वर कार्य मध्य अग्रगण्य जे ताहा सृष्टि कले केवल ताहांकर खड्ग ताहा स्पर्श करिपारे। 20 पद आहुरी पर्वत गण ताहा खाद्य उत्पन्न करते सेठारे वन्य पशु समस्ते क्रीड़ा करते। 21 पद से नल बन भितरे और झील पद्म वृक्ष तले शयन करे। 22 पद पद्म वृक्ष अपना छायर ताकु आच्छन्न करे नदीर 22 वृक्ष ताहार चतुर्दिगर था। 23 पद देख नदी बढ़िले से कंपित हुए ना जर्दन ताहार मुख सरिकी बढ़िले हैं से सुस्थिर था। 24 पद से जाग्रत थिया बेले केही की ताकु धरिबो अबा रज्जु द्वारा ताहार नासिका फोड़
अनेक ख्रीष्ट विरोधी अच्छा जो मैंने ख्रीष्टान मान अभिजोग तुम्हें विज्ञान को मानुना मु अवगत करने को चाहे जो विज्ञान हेपथेटिस अटे अर्थात जहाँ कल्पनावादी अटे डार्विन थ्योरी मांकर मनीष सृष्टि आम यही प्रकार विज्ञान को मानि न था किंतु जहाँ जहाँ आम यही वीडियो रे आलोचना कलु ताको बदला जाई पारे ना आपने समस्त प्रमाण को चेक करी परिबे तनु समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार आपण मान को प्रत्येक को मो हृदय सहित नमस्कार जनावि आगामी अध्याय मध्य आम मैंने आहरी अधिक गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़ी आलोचना करने आदि वीडियो टी आपन को भल लगी था तबे वीडियो को लाइक करूँ वीडियो को शेयर करूँ निश्चित भाव शेयर करेंगे जेपर अन्य भी ये गुरुत्वपूर्ण विषय को से जानपारे निगूढ़ तत्व को जानक पारे आदि आप प्रथम थर पर यह चैनल को आसी अच्छा ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ इस चैनल सहित जड़ित रुंतु कारण आग को यहपर अनेक विषय आम आलोचना करवा अनेक प्रमाण को नहीं आलोचना करवा तेनाली समस्त मोर आंतरिक नमस्कार।